डियर स्टूडेंट्स, एडा होचे हमरो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। हार्डनेस टेस्टिंग मशीन रे हमें कौन पेनक दरकार, जे कोनोसी मटेरियल रो हार्डनेस के हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज करचे। कार हार्डनेस केते टाइप्स ऑफ मटेरियल ऊपर हार्डनेस ओ डिपेंड हेले हमें हार्डनेस किमित मेजरमेंट करबा, जे किछे हमें लोड देबा से लोड देबा द्वारा गोटे पेनिट्रेटर थी आउ स्केल थी। पेनिट्रेटर दी प्रकार, कोन पेनिट्रेटर आउ पॉइंट पेनिट्रेटर, राउंड पेनिट्रेटर। को टाइप पेनिट्रेटर, को टाइप मटेरियल भी यूज होती, को टाइप लोड भी यूज होती, अलग अलग थ्योरी गोटे पर्टिकुलर मटेरियल आम ना। फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील, से माइल्ड स्टील पर्टिकुलर लोड पर्टिकुलर को इंडेंटर दरकार आम जाना पड़ो, आंडेटर द्वारा कितनी के हार्डनेस आम आम जाना पड़ो। हेले आम फास्ट कौन कर पड़ो, जो फास्ट ये आम जो थे कि आम जिनसटा रखा जार कि हार्डनेस आम टेस्टिंग करपर आम अच्छी इंडेटर। ए इंडेटरटा इंडेटर कहीं कह से इंडेट कै इंडेटर अर्थ मार्क, पर्टिकुलर मार्क कै आउ से इंडेट मार्क पर्टिकुलर मीनिंग होची इंडेट मार्क डेप्थ। तार अर्थ जो इंडेट मार्क आसो इंडेटर रु पर्टिकुलर डेप्थ पर्यटन से मार्क जीव, तेणु ये आम पर्टिकुलर के लोड कले से लोड अनुसार इंडेटर इंडेट है पर्टिकुलर डेप्थ पर्यटन से इंडेट है से पर्टिकुलर लोड रे पर्टिकुलर इंडेंटर रे पर्टिकुलर इंडेंटर डेप्थ रे केतिकी हार्डनेस आम हार्डनेस स्केल जानपरले आम ऑपरेट केमती कर हार्डनेस बाहर करने। फास्ट इनिशियल कंडीशन अच्छी एपटे अनलोडिंग कंडीशन अच्छे, जदि ये लोडिंग कंडीशन था प्रथम अनलोडिंग कंडीशन को आम आते अनलोडिंग कंडीशन आते पर्टिकुलर वैल्यू पर्टिकुलर मेटेरियल रखाई से रखि था रखि सारापर ए जो को आम मुमेंट करते ये स्पेसीमेन रखि था स्पेसीमेन को इंडेटर इंडेट कर पर्टिकुलर मेटेरियल से इंडेटर इंडेट इमती कर जी लोड रि इंडेट डेप्थ रही तो से डेप्थ पर्यटन ही सी रोक तापर ताकू आउ थे लोडिंग कंडीशन गणा हम लोडिंग कंडीशन आने समय जहाँ रिडिंग से देखे सी हूँ तार हार्डनेस। सो जमीक तुम संजय सर कहले हार्डनेस, तो आम जेनराली हार्डनेस कहार मेजर करूँ, तो जेनराली इन जेनराल कहवाई गले आम हार्डनेसटा मेजर कराए कार ना गोटे रिजिड बॉडी को। तो व्हाट डू मीन बाय रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या कहते ना रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन व्हिच व्हेन अप्लाइंग ए लॉट ऑफ सो मेनी ऑफ फोर्सेस साइमल्टेनियसली बट द बॉडी विल नेवर डिफर, दैट इज नोन एज रिजिड बॉडी। मैंने एककालीन भाव से गुड़ाए फोर्स पड़ू कि बड़ी कौन सी भी डिफर्मेसन हो कि भांगुन थोड़ा, तो सहीटा को कौन कहते रिजिड बॉडी एज पर थ्योरेटिकल, मैंने थ्योरेटिकली है दैट इज आम रिजिड बॉडी। किंतु इन प्रैक्टिकल कहवापी गले देर इज नो बॉडी एक्जिस्टिंग इन द अर्थ आर रिजिड, कहीं जेकोसी भी वस्तु अच्छी कि जेकोसी भी मेटेरियल अच्छी से कौनसी ना कौन जगह डिफर्म हो। फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर ए रॉक बा गोटे पत्थर को जदि आम कनसीडर करवा आम दात चुपे कि भांगी पार कि हाथ में भांगी पार कि बाय अप्लाइंग माने कौन हामरिंग जो आम हामरिंग करवा क्रसर में पकोचे कौन हो दैट इज अल्सो रिजिड बॉडी बट दैट इज कौन कन्वर्टेड इन टू स्मल 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 पीसेस स्टोन पीसेस छोट छोट खंड होने एमती कौन जिनस ना जार कि मानते रिजिडनेसटा रिजिडिटा पूरा पूरी आम स्टेबुल तो से प्राक्टिकाल परफर्म होगा पूर्व तुमको जेनराली मैंने एक्सप्लेन करदे मेसीनटा कौन केमती मान तार कम हुए। तो जेनराली आमर जोबले अच्छी मेसीनटा तो यहाँ हूँ आम कौन ना टेस्ट एनभिल, तो टेस्ट एनभिल ये देखुथ ये गोटे फ्लाट सरफेस अच्छी यहाँ आउ गए टेस्ट एंड बिल जोड़ा कि तुम देखुच यहाँ कौन भि ब्लक है मैंने ग्रुव हो तो जो टेस्ट एंड बिलटा को आम कौन कराए लिफ्टिंग रड यो पर्सनटा अच्छे आम ये जो अपडाउन होती कौन कहते लिफ्टिंग रड उपर आम एंड बिल फिट कराए। तापर एगेन
आमर कौन आसला यो देखु यो आम अच्छी यहाँ ह्विलटा आपको कौन कहती आपको आम कहते रोटरी ह्विल मानने जहाँफल तुम कौन हुए मानने एनविल मुमेंट हुए मानने कौन लिफ्टिंग रडटा यार मुमेंट आम लिफ्टिंग रड उठे तापर नेक्स्ट ये समस्त देखु तो यहाँ हूँ आम कौन लोड चेंजिंग ह्विल ताने केोड केते फोर्स आम हाथ में पड़ू से ही लोडटा आम ये डिफाइन करवा एबे जेंती समस्ते देखिपु आमर के 150 लोड 150 किलोग्राम फोर्स अच्छी तापर एटा है 100 तापर नेक्स्ट है तुम 60 नेक्स्ट है तुम 87.5 तमें ये डिफरेन्ट डिफरेन्ट आम लोड अच्छी तो अकॉर्डिंग टू लोड आम जिते टेस्ट करोटे एनविल जितेबाला आम कौन भी मानने ये को टेस्ट कर फॉर एग्जांपल आम एटा स्पेसिमेन जोटा कि ऑलरेडी गिवन अच्छी तो यहाँ हूँ आम कौन ना स्टीलटा स्टीलटा आम यहाँ हूँ कौन स्टीलटा हार्ड स्टीलटा तो ये हार्ड स्टील रो आम कौन करवा ना ये टेस्ट करवा हार्डनेस टेस्ट करवा तो जनरली हार्डनेस टेस्ट करने जमी तुम प्रिवियसली सार कहते आर इंडेन्टर तो इंडेन्टर आम जनरली टू टाइप्स रो तो यही समस्त देखु आर जो सरफेसटा रहा इंडेन्टर रही सरफेसटा हूँ आमर कौन कौन इंडेन्टर जमीक फॉर एग्जांपल तुमको मुझे आउ गोटे इंडेन्टर देखेबी यो इंडेन्टरटा आम रहा इंडेन्टरटा को आम कौन कहते बल इंडेन्टर कहीं समस्त देखिपु आर जो इंडेन्ट पोर्सन टाइप पोर्सन गोटे बल अच्छी तो यहाँ कौन होटा हूँ कौन इंडेन्टर जार यो पर्सन में देखु ये कौन बल ना देख य जगटा भेकेंट अच्छी किंतु यो इंडेन्टरटा को मुझे देखा ये इंडेन्टर ये गोटे बल लगी तो यहाँ हूँ आम कौन इंडेन्टर एंड दिस इज द बल इंडेन्टर तो नेक्स्ट है आमर एक जगह गोटे देखु यो इंडेन्टर को धरवापी गोटे स्क्रू लगी जहाँ को कौन कहते फास्टेनिंग स्क्रू द ह्वाट इज द फंक्शन ऑफ फास्टेनिंग स्क्रू इन हार्डनेस टेस्टिंग मशीन द फास्टेनिंग स्क्रू रो माने एडी काम होची कोनो टू होल्ड द इंडेन्टर तापर नेक्स्ट हला तमरो ए जो हैंडल टाइडा देखु दो एटा होची कोनो माने एबे हमरो कोन हला लोड रिलीज हे गला तो एडी जेते बेले आमे आकु बडे टाइट करू जोंदी जाको कोन कोन दे हमरो लोडिंग हैंड व्हील तो ए हैंड व्हील रे हमरो कोन हुए लोड टा से तमरो माने रिलीज हुए किबा लोड टा अप्लाई करा हुए नेक्स्ट नेक्स्ट आम जो एपटक आसवा ये आम कौन अच्छी ना गोटे डायल डायल अच्छी तो जो थे कि आम जो जो हार्डनेस टेस्ट करवा आम तार से स्केलटा जो आम आस देखु तुम्हें जेनराली दुटा स्केल अच्छी गोटे हूँ कौन बी आ गोटे हूँ सी है तो बी रोटे रिड आस रोटे रिड आस तो जेनराली जोबले आम गोटे जब परफर्म हो आम जोबले कौन कर आपको जो आम हार्डनेस जो आम टेस्ट है एनविल आम जो नहीं गले तो अलरेडी एतटा अलरेडी एक्सपेरिमेंट परफर्म हो तो बर्तमान यहाँ जो कौन कल आपको लोडिंग पोजिशन को आनली लोड देली ये फोर्स देते 100 किलोग्राम फोर्स देपर मु कौन करी आपको धीरे 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 आम कौन करी लिफ्टिंग रोडटा को उठेबी उठेला मीनस कौन है ये पार्टा ये टच है तो ये गोटे आमर कि गोटे स्पट आसो जो स्पटा आसव कि मानने यार हार्डनेस के हार्डनेसटा के जना पड़ जेहेतु आमर मानते मुझे तुम जेनराली गोटे जिन जानते स्ट्रेस स्ट्रेस इज इक्वल टू कौन फोर्स पर यूनिट एरिया तो गोटे यूनिट एरिया आम फोर्स पड़ू तो मानने यहाँ कौन दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स Due to effect of force, how the material will resist that force? That is known as simply कहे गले आमे जो force पकुचंदी से फोर्स टाकु से केते दूर पजंतु सस्टेन करछ दैट इज नोन एज हार्डनेस फॉर एग्जांपल मे हाथ अछि मोबे कोन करबि पेन टाकु धरबि हाथ रे एमदी मु जस्ट लगेबि किछ होबनि किन जतले आउरी जोर फोर्स देबि माने एडी जेंति फोर्स बढाई कि मु जतले लोड टा पकेली माने एमदी धीरे लगे माने पेन टाकु आनि कि एडी लगेबि बा एम जोर आनि कि मारबि ता माने कोन होबो डेफिनेटली एडी कोन होबो ता मीनस ये हाथ हार्डनेस मुझे बाहर करी तो सिमिलरली जोबले ये आम कि परफर्म कराई तो समस्त देखिपु ऑलरेडी आम कौन कराई बॉल इंडेन्टर में आम कि एक्सपेरिमेंट हो समस्त देखु ये कि सब स्पॉट गुड़ा आम आसी सी कौन कि खाल खाल हो रही तो यही जो जिनसटा रहा आमर जो स्पॉट आसला
तार डेप्थ केते तार डेप्थ केमती जानिबा तो एथिरे गोटे हमरो माइक्रोस्कोप से प्रोवाइड करची से माइक्रोस्कोप रे आमे आकु देले जस्ट करंट सप्लाई करा हबो जोंकि लाइट लागिबो तो एटी तमरो माइक्रोस्कोप अछि तो सिंपली एठी हमरो कोन अछि गोटे स्केल अछि ए स्केल रे माने जो आरोबी लिस्ट काउंट अछि केते 0.01 mm हला तो ए आ हिसाब रे आमे कोन करिबा ए या भितरे जस्ट ए मिनट तो समस्त को ये तो देखा जाऊनि जो टाइम रे तुम्हें कॉलेज आसो से टाइम रे तुमको आम देखे पारू या भितर जो आम देखा से भितर कौन हम ये ग्लास भितर गोटे स्केल अच्छे से स्केल रे जना पड़ो कि जो डेप्थटा होटा केतेम रेप्थ होती डेप्थटा आम ये देखे पार तो बर्तमान आमर गोटे स्पेसीमेन ये स्पेसीमेन रैक् सैड जोटा कि ब्लां अच्छे ये स्पेसीमेनटा को लेकिन लक्ष्मी सार आर परफॉर्म करेंगे रीडिंगटा ने रीडिंगटा केमती नौ आम जस्ट देखा ओके तो संजय सर आ सुनील सर जमी एक्सप्लेन कले एक्सपेरिमेंट उपरे यार कौन कौन पार्टस अच्छे आर इमती मैंने हार्डनेस कौन आमती हुए तो मुझे खाली तार रीडिंगटा करी तो समस्ते नोट कर किमी रीडिंग होेप बै स्टेप प्रोसेसटा मुझे खाली कहीदेवी तो अभी बेसिकाली आम ये जो लोडिंग लिवर अच्छी यहाँ एवं लोड पोजिशन अच्छे तो लोड पोजिशन थिला बेले आमर एक्चुअली दुटा स्केल जो यूज होचे ए डायल रे समस्त पर बी आउ सी स्केल तो एदर आम बी स्केल रीडिंग नेबा नॉले सी स्केल रीडिंग नेबा दुटा जा एट ए टाइम नहीं पारानी कहीं जदि आम एडे हार्ड मटेरियल नौचे हार्ड स्टील नौचे तो सही रीडिंगटा सी स्केल आसो एट जदि आम सॉफ्ट स्टील नौचे तो रीडिंगटा बी स्केल आसो एंड जदि आम ये तो ऑब्वियसली ये हार्ड स्टील एवं आम नहींचे तो हार्ड स्टील नहींचे मैंने आम सी स्केल रीडिंग नेबा एंड तापे ये कोन इंडेंटर भी लगी तो आम सी स्केल जदि नौचे तो कोन इंडेंटर ही यूज होगा कथा तो ये अलरेडी जहाँ भी पारामीटर्स दरकार सेट ही है तो ये एक्सपेरिमेंट आम स्टार्ट करें तो ये फिलहाल आम ये जो लोड सिलेक्टर अच्छे समस्त देखिपरत तो सी स्केल आम मैक्सिमम 140 लोड नहीं पार तो जदि आम 150 नौचे तो हेनी तो 100 मुझे ओके तो 100 मेजर लोड नहीं कि मुझे एक्सपेरिमेंट करी तो ये फिलहाल आम ये जो आम मेटाल अच्छे हार्ड मेटाल तो हार्ड मेटाल टाक हार्ड मेटाल टाक आम ये इंडेंटर सहित कनेक्ट करवा तो वन्स ये इंडेंटर सहित कनेक्ट है मानने ये समस्ते देखिपर थो इंडेंटर सहित मुझे कनेक्ट करुँच तो इंडेंटर सहित जिते कनेक्ट करुच्चे डायल रे समस्ते देखिपर डायल भितर ए छोट गोटे डायल भितर आवरी भितर ए छोट गोटे रिडिंग अच्छे ओके तो ये जो भितर रिडिंगटा ये जीरो रु स्टार्ट समस्त जिते देख ये रिलीज कर एटा मुझे एगेन रिलीज कर भितर जो कंटाक्ट अच्छे समस्त देख पार जीरो रे अच्छी जो एगेन यू मानने टाइट करने को चेस्टा कर एगेन यहाँ जीरो रु बढ़ी बढ़ी कि टू जाए नौ ओके तो ये जो रेड कलर सिंबल गोटे अच्छे थ्री पाखे आम मैक्सीम थ्री जाए नहीं पार कहीं जब अधिक नौचे तो इंडेनटा भांगी जापे एंड आम हार्डनेस टेस्ट करें तो ये मैक्सीम मु टू जाए नौ कहीं जो आम लोड देवा से टूटा बढ़िकी थ्री जाए हो जाए तो ये मुझे अलरेडी टाइट करदे एवं आम जो ये अनलोड अच्छी ये देखिपर थो समे ये आम लोडिंग लिवरटा अनलोड पोजिशन यू लोड लिखाई अनलोड पोजिशन अच्छी तो मुझे यहाँ को लोड दौर ओके तो लोड दे डायल रे समस्ते देखिपर आम हार्डनेस वैल्यू पड़ा आके तो हार्डनेस वैल्यू पाखापाखी सी स्केल आम देखा पड़ो तो 60 तले मैंने पाखापाखी 68 अच्छी दैट मीनस आम यार जो हार्डनेस बाहर कले तो ये हार्डनेस वैल्यू हूँ HRC68 ओके यहाँ को आम इमती कह HRC68 खाली 68 कहानी कि C68 कहानी HRC68 बोली कहुए तो ये जो आम कलटा गोटे रिडिंग तो एगेन आम जेहेतु एक्सपेरिमेंट मैंने तीनटा रिडिंग करवा कथा तो आउरी दुटा रिडिंग आम करवा जो आउ दुटा रिडिंग करवा से आम कमी करवा आम गोटे भैल्यू मन रखिले यहाँ को एगेन रिलीज करवा ये जो आम गोटे पॉइंट रिडिंग ने पॉइंटा को टी चेज करदे टी यू सैड्रे नहीं ओके okay, तो फॉर एग्जांपल मुझे सैड्रे नौचे मेटाल टाक ओके तो यहाँ तो गोटे इक्विपमेंट नौ जोटा कि फिक्स थिला तो ये मन कर मुझे फ्री हैंड मटेरियल गोटे नेबी ओके तो फ्री हैंड मटेरियल रे मन कर फॉर एग्जांपल एनबिल था नो प्रॉब्लम एनबिलटा एनबिल बर्तमान सर रखिले स्पेसिमेंटा ओके तो ये तीन टाइम रिडिंग करदे किसी प्रोब्लम ना तो ये ना फास्ट रिडिंग फॉर एग्जांपल तो यहाँ एगेन ये हार्ड स्टील
तो एबे हमर एटा अनलोड कंडीशन रे अछि ओके तो एटा अगेन हमें टाइट करले ओके तो टाइट करला परे हमर एटा ऑब्वियसली जीरो रे एबे अछि एंड सेटा बॉडी बॉडी 2 जाय जिवो एट समस्त डायल रे देखि परथियो जीरो रो बॉडी बॉडी अगेन 2 जाय नेली सेटा को देन अगेन लोड अप्लाई करली ओके एंड अगेन हमर लोड सिलेक्टर रे 100 अछि तो किसी प्रॉब्लम नै हमें लोड दे परबा तो लोड देला पर समस्त देखि परथियो एटे सी स्केल रे रीडिंग आछि 62 समस्त देखि परछ डायल रे 62 आछि तो एबे हमर फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हेला जोटा कि सेतले मु एनविल रे नै आइथिली तो एबे मटेरियल रे नै आला तो अगेन आउथरे हमें 62 रीडिंग बन रखिले एटा को रिलीज करबा ओके देन अगेन अनलोड करबा देन अगेन एटा टाइट करबा आउट पॉइंट रे तो एडी जो पॉइंट ऑलरेडी हमें नैथिले ताटू टिके साइड को हमें आउट पॉइंट नबा ओके तो आउट पॉइंट नले फॉर एग्जांपल एडी हमें आउट पॉइंट नले तो एटा अगेन टाइट करबा 0 रु 3 जे 2 जाय नले ओके तो 2 जाय नै कि अगेन ताकू लोड देबा ओके तो लोड देले एठे रीडिंग आछ समस्त देखि परतिबो एचआरसी 74 70 ऊपर अछि 80 तळे अछि तो 10टा कोंटा रु 4टा कोंटा से क्रॉस करिछि दैट मींस एटा हमर अछि 84 समस्त देखि परतिबो सॉरी 74 तो एचआरसी 62 गोटे आस्तिला 74 गोटे आस्तिला अगेन आउट पॉइंट रे हम रीडिंग नेबा तो एटा अनलोड करबा एटा को रिलीज करबा एठे आउट पॉइंट रे हम रीडिंग नेबा अगेन एटा टाइट करबा ओके टाइट करला पर अगेन ताकू 2 जाय नेबा ओके तो 0 रु 2 जाय मु हार्ड करली ताकू जदि 3 जाय करूची देन सेटा बढेला ओड 4 ओड पड़ो तो हमको असुविधा हबो सेतमे 2 जाय नबो तापरे 2 जाय नेला परे एक्जेक्ट 2 रे रहि छै एक्जेक्ट 2 रे अछि एबे तापरे अगेन हमें लोड देबा ओके लोड देला परे अगेन आसला तार रीडिंग एचआरसी 90 91 92 91 92 92 ओके गुडे पेपर पेन माध्यम रे तो बुझौ छी ओके फर्स्ट रीडिंग आसिला एचआरसी 62 सेकंड रीडिंग आसिला एचआरसी 74 एंड थर्ड रीडिंग आसिला 90.5 एचआरसी 90.5 सो हमरा एवरेज आसिला 62 प्लस 74 प्लस 90 पके दबा डिवाइडेड बाय 3 so that means 2 plus 4 6 6 plus 7 13 plus 9 22 226 divided by 3 that means is approximately 75.33 so this is the value of this particular material HRC 75.33 this is the hardness reading or hardness measurement of this particular hard steel and we measured this hardness of this material through C scale by taking cone indenter by taking measure load 100 kgf okay so thank you and by the way this process whatever I have explained till now is one of the processes there is another process to find out the hardness and that process can be done by microscope which is already shown by Sunil Saw sir so when you are using microscope then as Sunil sir said you will find a gap between the indent and the material there is a gap which is created to measure hardness and in microscope you can find this particular gap tame gap ta find out kari paribo e jo gap ro value da asiji hardness mapila belku to e jo gap ro jaha bi value asibo se value da ku tame note karibo taku note kala pare tame gote formula re taku put karibo se formula da houchi hrc ro 100 minus t by 0.002 सो ए जो टी वैल्यूडा तुम्हें टी रो वैल्यू जहाँ भी आसला तुम से जो गैप रो रीडिंगटा तुम माइक्रोस्कोप जहाँ भी नहीं थी इधर 1 mm 2 mm जहाँ भी नहीं थी तो से वैल्यूडा ये पकेब तो 100 माइनस टी बाय 0.002 कले तुम्हें एचआरसी रो वैल्यू पाइव ओके तो मुझे ये श्योर अच्छे तुम्हें ये जहाँ भी वैल्यू पाइल से ही वैल्यू हम ये पाइब ओके ये मु 100% श्योर अच्छे तो तुम जो माइक्रोस्कोप देखिब सेम वैल्यू आसो ओके तो ए एक्सपेरिमेंट रे हमें सो लक्ष्मी सर जहां कहिले माने हमरो मैन्युअली जहां आसीला बा हमरो जो रहला को डायल रे जहां भी हमरो रीडिंग आसु जी से डायल रो रीडिंग जहां आसीला एड जेंति समस्त देखि परदबो एड जो स्पॉट उडा आसी जी समस्त को हल्का भाबरे स्लो तो सो तो बो जो स्पॉट उडा आछि ए स्पॉट रे भी जहां डिफरेंस आसीला तो एठी हमें कोन एवरेज नै कि बाहर करथिले तो एटा जेंसो हमें डायरेक्ट कोन करबो माइक्रोस्कोप रे जो रीडिंग टा नेबा मु जो कहितली जो एठी जो हमरो स्केल अछि ए स्केल रो
रिडिंगटा आम कौटी आर भितर देखा तो मैंने कौन ये आम लगे तो माइक्रोस्कोप्रे आम जो देखिले से रिडिंग आ रिडिंग तो यहीटा जहाँ आईटा भी एक्जाक्टली सेम जिनस ही आस आप्रोक्सीमेटली आसो कि टी फेरी पाए तो मैंने जानव कि तुम एक्सपेरिमेंट पूरा परफेक्ट अच्छे थैंक यू।